कहीं जाना अच्छा कप्तान में <laughs> <थास> कप्तान <थू। laughs> okay. कप्तानी करने से जो दोस्त होते हैं ना वो दुश्मन बन जाते हैं तो बड़ी चीजें ऐसी हो रही थी कि नहीं यार उसको नहीं खिलाना ये नहीं करना मैंने कहा जो ग्राउंड का विकेट होगा वो मैंने करना है

आ, कप्तानी और सुरेश रैना ये मतलब थॉट में रहता था कि नहीं मैं यूपी के लिए किया था आ, यूपी के लिए ये चेन्नई के लिए भी किया बट फिर दूसरी टीमों ने बहुत अप्रोच किया धोनी ने कहते कहीं नहीं जाना अच्छा कप्तान मैं इस हाँ। कप्तान तू ओके ओके जय वीरू की जोड़ी जय वीरू तो मैंने कहा देखो मुझे कप्तान नहीं बनना है मेरा सिर्फ खेलना है देश को जिताना है ओके मिलेगी ऑपर्चुनिटी तो मैं दोनों हाथ जोड़ के पूरा उससे करूँगा इतनी मेहनत से करूँगा बट कभी वैसे नहीं आया क्योंकि मैं ना आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं टीम प्लेयर हूँ okay. जिसकी कोई प्रॉब्लम है अगर ऐसा है कुछ भी हेल्प चाहिए वैसे लेकिन कप्तानी करने से जो दोस्त होते हैं ना वो दुश्मन बन जाते हैं okay. दुश्मन बन जाते हैं दोस्त जो मुझे एक बड़े प्लेयर थे उन्होंने बोला जब मैं कप्तान बना था वेस्ट इंडीज़ में तो दो तीन दिन मैं सोया नहीं था तो बड़े बड़े ख्याल चले थे बहुत सारे उसमें नए प्लेयर आए थे बहुत सीनियर भी थे वो तो बड़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि नहीं यार उसको नहीं खिलाना ये नहीं करना मैंने कहा जो ग्राउंड का विकेट होगा वो मैंने करना है राइट right. मुझे सिलेक्टर ने टीम बना के दी है और मैं इस टीम का कप्तान हूं right. सबको रेस्पेक्ट करूंगा डिस्कशन जरूर करूंगा लेकिन जो मेरा कॉल होगा वो मैं जरूर करूंगा कि मुझे तो देश को जीतना था hmm. वो कप्तान है चाहे मैं हूं चाहे आप अगर हम जब लैंड करने के बाद टेक ऑफ करें किसी कंट्री जब लैंड करे ना

अच्छा लड़का है।, है बहुत पैशनेट है बहुत अग्रेसिव है पर इतना खेलेगा मैंने नहीं सोचा था बी तो वेरी ऑनेस्ट क्योंकि आई I मीन mean, नहीं लग रहा था कि इतना खेलेगा पर इतना खेला है तो कहाँ पे वट आर योर मेमोरीज ऑफ चीकू प्लेयर चीकू द मैन क्योंकि आई थिंक दो दो हजार छः सात से था मुझे याद है रणजी ट्रॉफी मैच हम दिल्ली और यूपी खेले थे वहां पर गाजियाबाद में

वो मेहनत बहुत करी तो उसका जो जज्बा था मुझे लगता था कि ये अभी सोच रहा है इसको थोड़ा टाइम लगे खेलेगा क्योंकि युवराज को बहुत फॉलो करता था ऐसा मेरे को शुरू से जब से मैंने तो उसको देखा उसके बाद कि बस यूवी पा यूवीपा बोलते थे तू तो... लगा रहे तू बेहतर बनेगा लेकिन उसको पा दिखता था कि हाँ, पा का था। वो स्वैग उसको बड़ा बिल्कुल उनका का लुक उनका थोड़ा हाँ, स्टाइल सारा कुछ गाने पंजाबी सारे हाँ, सुनते थे बट एक अलग से ना उसको मुझे लगता है उसके माँ बाप का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो उसका वर्क का जो एक प्रोसेस था ना वो मैंने किसी यंगस्टर में देखा राइट उसका एक ट्रेनिंग मेथड बहुत अलग था जो उसका सेल्फ बिलीव था ना कल मुझे सौ बनाना है वो बना के आता था वो राइट right. कितने दो दिन हुए तीसरे फिर सौ श्रीलंका आती थी बांग्लादेश आती थी ऑस्ट्रेलिया कोई भी टीम न्यूजीलैंड सौ सौ बनाना है वो एग्रेशन हमें लगता था कि नहीं थोड़ा यार ज़्यादा होगा यार अंपायर सौ है कल मेरा वो पहले ही बोल देता था वो राइट right. क्योंकि वो अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालता था वो चीज कि right. नहीं कल मैंने इसको ध्यान से खेलना है भागना बहुत अच्छा है उसके बाद जैसी ट्रांसमिशन उसका फिटनेस का स्टार्ट हुआ ना फिर देन मुझे लगता भाइयों उनकी उनकी तो को बाहर वाले को नहीं पता चलेगा वो अभी सब सुपर है ना अरे यार क्या लाइफ है लेकिन नहीं। नहीं। जो पीछे का जो जो एक जो मेहनत है ना वो घर वालों की मुझे लगता है वो घर वालों ने बड़ा किया फिर वो रुका नहीं हो फिर आप देखिए हर जगह फिर वहां मैंने उसको अच्छा एक 2014 में या 2000 जब 350 दिन चेस किया था वहाँ तो एक हमने खाना नहीं खाया हो हाँ। और इंडिया में कोई ऐसी जगह ना हो जो हम बाहर घूमने ना गए हो। राइट। तो एक अलग टाइम था उस टाइम बिलीव बहुत बड़ी चीज थी मुझे लगता है वो नॉर्थ साइड में एक सेल्फ बिलीव होता है कि लेट मी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं करता हूँ आपके लिए एक चीज जो कम डिस्कस होती है आपके साथ बहुत होती है और आज भी मतलब कभी कोई देखो कोई पॉइंट पर अच्छे फील्डिंग करता है तो दो ही नाम याद आते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक युवराज सिंह दूसरा आता है सुरेश रैना आई मीन वो फील्डिंग की तरफ इतना कमिटमेंट हमने शुरू में बात की कि भाई एक ही चीज़ होती है अपने हाथ में आप डाई भी मारते हो पकड़ते हो सब कुछ करते हो पर कहां पे रियलाइज हुआ कि यार ये भी करना है थोड़ी बॉलिंग भी करनी है

और आपकी एजिलिटी आपकी बैक टाइटनेस ना हो तो मैंने वो बहुत किया और बचपन में जिम पता नहीं था जा। वो तो। मम्मी करती थी योगा पापा योगा तो योगा किया और योगा में आप सारी बॉडी फ्लेक्सिबल मैं अपना माथा टच करता था अपना ये रीच टेस्ट होता था उसमें पूरा एल्बो आगे तक जाता मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा और जब इतना हाथ आपका जाता है ना तो आप ऑलरेडी ग्राउंड पे लो रहते हो करेक्ट कर सारी फील्डिंग इंडिया की जो ग्राउंड है ऐसे ही नीचे है वो कैच तो छोड़ना है ही नहीं कैच अगर नहीं भी होगा तो उसको भी बनाना बनाने है बनाने की तो मेरा अंदर वो था कि छोड़ना नहीं है क्योंकि मैं अगर यहाँ से कुछ अच्छा करूंगा ना तो टीम के लिए वो एक्स्ट्रा बोनस है वो तो मुझे लगता है वो हॉस्टल डेज में ही आ गया था वो समझ में कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं आगे ये नहीं छोड़ना अल्टीमेट टीम मैन मतलब सुरेश रैना के साथ एक और चीज जुड़ती है कि यार ये बंदा टीम का प्लेयर है यार ये टीम के लिए पाँच छह नंबर बैटिंग भी करेगा जब कहोगे दो ओवर भी डाल देगा उसके बाद आप फील्डिंग में जान झोंक देगा कभी ऐसा लगा कि यार अगर ऐसा ना हो तो शायद कुछ ज्यादा मिलता हो कि भाई बैटिंग ऊपर कराएंगे यार कि टीम है तो कहीं पे भी कर देते हैं चलो जी ये मुश्किल काम तुम ही नहीं करो, नहीं। करो बाकी मलाई सब खा रहे हैं नहीं। नहीं। कभी ऐसा फील हुआ नहीं वैसे तो नहीं हुआ मतलब कभी ऐसा ख्याल में नहीं आया हाँ। क्योंकि मुझे पता था कि जो ऊपर खेल रहे हैं वो नीचे का अलग तरीका है वो क्योंकि अभी तो ऊपर तो खेल सकता था ना सुन खेल सकता था कि भाई अगर तीन नंबर पर बैटिंग करना तो आता था फिर उस टाइम पूरा पैक था ना देखो ऊपर बड़े तीन चार पांच छे फिर कप्तान और कोच का जो रीजन है फिर फाइनल अगर चेन्नई में अगर खिलाएं तो तीन खिलाई क्योंकि आपके लिए वो करके दूंगा जो आप मुझसे चाहते हो इंडियन टीम में वो पूरे देश की टीम है करेक्ट वहां पर आपको पता है बहुत सारे प्लेयर बड़े अलग हैं काफी सारे प्लेयर की शैली बहुत अलग है खेलने की तो वहां पर फिर नीचे जब खेलते हैं तो फिर

तो फिर वो कहते हैं थोड़ा रीच करके सिंगल सामने जो आईपीएल में हम खेलते थे इंटरनेशनल में भी डालते थे वो श्रीलंका में बड़ी बॉलिंग कर रही हो जहाँ उनको चेर, रेड चेरी मिलती थी टेस्ट मैच में इंग्लैंड में धोएं धोए <laughs> तो करनी नहीं, नहीं है भाई शाम को डिनर तो <laughs> खिलाएगा अच्छा तो मुझे एक बात बता सुरेश इसमें ना एक और ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है क्योंकि कि कब आपने कहना है कि मेरा हो गया आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी मोर ये सबसे मुश्किल सवाल होता है क्योंकि ये सवाल का जवाब सिर्फ आपको ही देना होता है और हम सब क्रिकेटर्स को, को सुबह फिर उठता हूं, और इस बिलीफ से उठता हूं कि सौ बनाऊंगा तो फिर किस दिन ऐसा लगा कि अब नहीं बनाऊंगा अब मेरे को नहीं खेलना है डिसाइड किया कि यार अब मेरा हो गया है आई मीन कितना डिफिकल्ट था और क्यों था वो डिसीजन मतलब किस वजह से लिया मैं इंडिया खेल चुका था काश भैया मुझे पता था कि जो भी रीजन थे नहीं सिलेक्ट हुआ या कुछ दूसरे प्लेयर उनको बेटर लगे बट मैं पीक में था वो मेरा मेरा ट्रेनिंग सब सबको ए वन था मतलब कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है मेरे ऊपर जब यो की बात आई थी कि फेल हो गए मैंने कहा नहीं मैं फेल नहीं हूँ मैं पास कर गया काफी लोगों से बेटर भी गया था 17 गया था 16.9 उस टाइम 16.1 सिक्स वन फेल किया था क्योंकि सिर्फ एक ही करना था उसमें मुझे बोला कि एरर हो गया है वो एरर नहीं था मतलब right. चलो वो तो पुरानी बातें बट कुछ था वो राइट right. बट जब नहीं खेला इंडिया के लिए तो फिर मैंने मेहनत किया मैंने कहा अभी धोनी भाई के लिए खेलेंगे फिर इतने साल जीते हैं वो right. फिर जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो मैंने कहा नहीं मेरा भी हो गया वो, वो मतलब right. इंडिया के लिए नहीं खेल रहे ना फिर एक फील नहीं था वो hmm. क्योंकि मैं वो मेरे लिए ऐसे लगा कि चेंज कर सकते थे कुछ मैंने किसी से नहीं पूछा वो मेरा एकदम से ग्राउंड पे था उनकी रेस्पेक्ट के लिए था हर फैंस के लिए रेस्पेक्ट था कि मुझे लगा नहीं मैंने एक्चुअली उनको एडवाइस किया था उनके लिए मैं जब खेलने लगा देश के लिए खेले इतने मैचेस जीते जब मैं कंट्री के लिए नहीं खेल रहा था ना मेरे लिए पैसा भी आईपीएल में भी बनाया चीजें भी हैं बट वो फिर वो यहां से आए नहीं क्योंकि मैं डेढ़ महीना जब खेल के जाता था आईपीएल तो उसके बाद ना नौ महीने मुझे इंडिया के मैचेज दिखते थे चारों तरफ टूर लगे हुए फिर जब एक दो सीजन ऐसे गए ना जब मेरा कंट्री भी नहीं था तो मैं मोटिवेट नहीं कर पाया उस चीज को कि मैं नहीं खेल पा रहा मतलब क्या पैसे ही सब कुछ है वो कि मेरा पीस ऑफ माइंड कितना इम्पोर्टेंट है क्या फिर आप जो मेच्योर्ड हो गए आगे क्योंकि मेरे मतलब सिक्स पैक भी आ गया थे उस उसमें मैं तो तो मैं तो फिर मैंने गया नहीं हो गया घर से फोन और दो तीन दिन तो फोन ही ऑफ कर रखा था राइट तो भी किया था भाई हुआ क्या ये सही में है कि क्या मतलब ये इमोशनल कॉल हो गई है नहीं इमोशनल नहीं था वो उसी टाइम पे मुझे जो सही लगा जो मुझे लगता था वो और उसी ग्राउंड पे जो हमने स्टार्ट किया था वो फिर वो ऊपर वाले गए वो फिर आप फिर मैंने एक्चुअली उसके बाद ना इन्जॉय नहीं किया वो मैं अच्छा। कंट्री बहुत इन्जॉय करता था वो डेढ़ महीने में बहुत ज़्यादा ट्रैवल है मुझे मज़ा आता था जब टीम बस में अपने दोस्तों के साथ बैठे हो इधर तिरंगा लगा हुआ है वो आप ट्रैवल कर रहे हो चारों तरफ आपको एक रेस्पेक्ट दी जाती है नेशनल एंथम गा रहे हो तो फिर एक टाइम के बाद ना फिर आप इतना यूज्ड हो जाते हो जब कंट्री के मैचेस नहीं मिलते ना फिर आप फिर वो फिर आपको अपनी फिर वो एक चीजों से फिर सीख के चलो अभी वाइफ है बच्चे हैं मोम डैड हैं अभी सारी फैमिली है तो फिर एक मोटिवेशन चाहिए लाइफ में राइट तो मुझे लगा उस टाइम पे कि हो गया टाइम बच्चे को साथ है। मैंने में रहा मैंने के साथ टाइम मैंने फिर जब मैं रिटायर मेरे पिताजी की डेथ हो गई हो। जी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना टाइम बच्चे जब बड़े से हो से रहे हैं ना उनको इतना प्यार मिले उनके साथ छोटी छोटी खुशी इतनी गुजार लू कि जब वो बड़े तो मुझे वो मेरी मेमोरीज में चले जो मुझे नहीं मिला वो राइट क्योंकि नाइनटी एट में छोटे से थे जब बड़े हुए जैसे घर है फिर पापा की तबीयत खराब हो गई फिर मम्मी मेरे साथ है तो वो मुझे लगा बच्चों की जो चीज है वो मिलना जरूरी है तो लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट बहुत खुश आई इट क्रिकेटर एज एज सक्सेसफुल यू मतलब अपॉर्चुनिटीज ना आती हैं उसमें आपको ना करना पड़ता है कैसे ये काम मैं नहीं कर रहा है यार मेरे को नहीं करना मुझे ये भी नहीं करना है क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज कुछ अलग है तो अभी कौन कौन सी चीजों में मना करना पड़ता है कि बहुत है बहुत सारी जैसे अभी खेल सकता हूँ दो तीन साल और लीग्स बहुत हो रही है चूज है अभी वहाँ जाना है नहीं जो पहले खेलते थे यूपी ने फोन किया सिलेक्टर ने जाना हाँ सर रेडी है <laughs> इंडिया से फोन आया सर बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही घर ले रखा हुई घर बट अभी लीग हो रही है और मतलब बच्चे थोड़ा उनके टाइम टाइप टेबल से चलते हैं वो और मुझे लगता है कि बहुत सारे म्यूजिक का शौक है कुकिंग का शौक है

जो दिल में है ना वो कर कर दो आप बोल दो कि सर ऐसे लगता है मैं गाना गाना चाहता हूँ फिल्म में मुझे खाने बनाने का शौक है मैं चाहता हूँ बारिश हो रही है मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ थोड़ा उसका विंडो वंडो मुझे करने दो ब्यूटीफुल तो तो अच्छा, जीने दो <laughs> तो अभी यहाँ से अगले चार पांच साल मतलब अगर सी पहला सवाल कि अगर सुरेश रैना क्रिकेट नहीं खेलता अगर नहीं खेलता तो जिंदगी में क्या करता वही नाइन टू फाइव जॉब होती अभी वो कसल हो रहा था घर में ये ये नहीं 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 आया है वो मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी और पांच साल बाद कहा गा देखता है एक्टिंग कर रहा है सुरेश रैना मूवी हाँ कर कर आ जाएगी एक साथ तैयारी अच्छा, चल रही है और सिंगिंग अभी गाने का भी प्लान हो रहा है बहुत ज्यादा ओके दो रेस्टोरेंट मैंने डेली में खोले एक मैंने बाहर खोला है और खाने का शौक है और चल रहा है